मेरा नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो ये लेसन है वो लेसन नंबर 14 है, और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल पर ये तबला लेसन की सीरीज चल रही है, और इस तबला लेसन की सीरीज़ के द्वारा आप अपने घर बैठे ही बड़ी आसानी से तबला बजाना सीख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की इस वीडियो से पहले भी हमने 13 लेसन शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो पहले तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा इस वीडियो को वॉच कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में तबला लेसन्स फॉर बिगनर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 13 तक सारी वीडियोज़ को वॉच करें, और आप उन सभी 13 लेसन्स को देखने के बाद दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आज का लेसन भी समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए दोस्तों आज के इस लेसन को सीखते हैं। दोस्तों आज के इस लेसन में मैं आपको एक कहरवा ताल का पैटर्न बता रहा हूँ, और यह कहरवा ताल का पैटर्न बहुत आसान है। इसमें जो वर्ण यूज़ हो रहे हैं वो वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये रियाज के लिए भी अच्छा है, और आप इसको प्रोग्राम में भी बजा सकते हैं। इस कहरवा ताल के बोल आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब हम इसको बजाने का तरीका देखते हैं। इसमें जो बोल यूज़ हो रहे हैं वो देखिए, धा धा और एक और सात पर इसमें बेस यूज हो रहा है, और जो 7 नंबर का बेस है वहां पर हम घिस्सा लगाएंगे। हाथ को आगे की तरफ स्लाइड करना है थोड़ा ताकत से। एक बार दोबारा से देख लीजिए। इस तरीके से इस पैटर्न को आपको बजाना है, और इसी तरीके से आपको रियाज भी करना है। इसको आपको एकदम से फास्ट नहीं बजाना है, जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। आप किसी भी बोल का रियाज करें तो वो कम स्पीड में ही करें। जब आप कम स्पीड में रियाज करेंगे तो आप उसको किसी भी स्पीड में बजा सकते हैं फिर, और आप हमारी इस वीडियो को चलाकर हमारे साथ साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो बार बार आप हमारे इन सभी लेसन्स को चलाएं, इन सभी लेसन्स को देखें, इनसे सीखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेसन भी समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।